भीषण बाढ़ से धान की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने प्रदर्शन कर किया मुआवजे की मांग। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के ग्राम पंचायत रामपुर त्रिभुना में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जी हां, आपको बताते चले कि अब की बार आई बाढ़ में किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान दाने दाने को मोहताज हो चुका है। अभी हाल ही में तेज तूफान के साथ हुई बारिश में धान की फसल पूरी तरह से गिर गई थी, जिसमें किसानों ने उत्पादन क्षमता में 30% तक कमी बताया था। रही कसर इस बाढ़ ने पूरा कर दिया। किसान इस वक्त अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान को अपना परिवार पालना बेहद मुश्किल लग रहा है। किसान दद्दू तिवारी ने बताया कि हमारी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी देखने तक नहीं आया। आप मौके पर स्थिति देख ही रहे हैं। हम ग्रामवासी लोग ग्राम रामपुर त्रिभुना के रहने वाले हैं। जो ये बाढ़ के कहर से फसल बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें देख लीजिए आप मौके पर कि यहाँ पर ना कोई आज तक अधिकारी आया, ना कोई शासन, ना प्रशासन कोई देखने तक नहीं आया। बहुत से मेरे ग्रामवासी लोग भाई लोग का हमारा भी धान कटा पड़ा हुआ था। दाने के लिए हम लोग उसके ट्रैक्टर ला रहे थे, तब तक बाढ़ भर लिया, धान उठिया नहीं पाए। जो खड़ी फसल थी काटने के लायक थी वो भी गिर गई, मतलब पूरा फसल नष्ट हो गया। हमारे ग्राम सभा रामपुर त्रिभुना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा कि जिसका एक बिस्सा उसके बच्चे को खाने के लायक धान बचा हो। सारा नुकसान हो गया, यहाँ कोई प्रशासन ध्यान नहीं दिया। बसरते बाद मैं एक और कहना चाहूँगा, हमारे ग्राम सभा में एक नाय थी, नाय टूटी पड़ी हुई जर्जर हालात में, देख लीजिए आप उसी पे उसका तस्वीर ले सकते हैं। कुछ ग्रामवासी हमारे खेत को अपने आगे जाना चाहते हैं, ये पानी ज़्यादा भरा हुआ है, पानी पड़ा हो इसलिए जा नहीं सकते हैं। नाय हमारे ग्राम सभा में थी, वो भी टूटी पड़ी है, इसलिए हम लोग असमर्थ हैं। प्रशासन से कहना चाहूँगा कि हम लोग की समस्याएँ सुने, हम ग्रामवासी को ज्यादा से ज्यादा कोई लाभ पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं वो भी भूखे मर जाएंगे। किसान कुलदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि हाल ही में आए तूफान और बारिश से आधी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, रही सही कसर बाढ़ ने पूरी कर दी। बावजूद इसके शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी कर्मचारी झांकने तक नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा नष्ट हुई फसल की जांच कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। सारे धान का नुकसान हो गया, सब तो आंधी आई उससे सब गिर गया धान, ऊपर से बरसात हुई, बाढ़ आ गई उसके ऊपर सब सारा धान सड़ रहा है, सब धान जाम गया, उसमें कुछ रह नहीं गया है, तो देखभाल के उचित मुआवजा दिया जाए। किसान राजकुमार गुप्ता ने बताया कि तूफान और बारिश में ही काफी नुकसान हो गया था, अब तो बाढ़ के पानी में धान सड़ रहा है। शासन को चाहिए कि जांच कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। कहना चाहते हैं कि सर जो है ये सैकड़ों बीघा धान नष्ट हो गया है, सब जरवा इसमें जाम गया है, भर गया है, किसी मैंने पानी गरम पाया इधर उधर, और कोई आज तक ना देखा है ना भाला है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? आप प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अभी फसल कुछ चेक करें, और इधर पानी गरम पार नदी पर फेंक रही है बराबर, देखभाल करें पर बांध बांध। मेरे गांव में पानी की वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं, धान की फसल का नुकसान हुआ है, अभी अत्यधिक लोगों का धान कटा पड़ा हुआ है, बाढ़ से बह रहा है, हम लोग ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। सरकार से अनुरोध है कि हम लोग की फसल के बारे में सरकार की कुछ न कुछ मुहैया कराया जाए फायदा। यूएफटी लाइव के लिए मोइनुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।